और अब अगली खबर आपको बता दें, बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। रेप के आरोपी को मुठभेड़ में जख्मी किया गया है और ये बताया जा रहा है कि दरअसल नाबालिग से रेप का इस पर आरोप लगा है जो कि मुठभेड़ में जख्मी हो गया। प्रयागराज में ये एनकाउंटर हुआ है, रेप के आरोपी का एनकाउंटर जख्मी हो गया है। इस एनकाउंटर के दौरान आरोपी पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रेप का आरोपी मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। आरोपी पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। और ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रेप का आरोपी जो कि जख्मी हुआ है, ये बताया जा रहा है कि इस पर नाबालिग से रेप का आरोप है, लेकिन इसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जब फायरिंग की तो जख्मी हो गया ये रेप का आरोपी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उधर गाजियाबाद में भी चोर का एनकाउंटर हुआ जहां पर वो जख्मी हो गया है। तो उधर हत्या के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है, प्रतापगढ़ से ये मामला। तो अलग अलग जगहों पर किस तरीके से अपराधियों पर सख्ती बरती जा रही है वो आप देख सकते हैं। जहां एक तरफ प्रयागराज में रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं गाजियाबाद में चोर का एनकाउंटर किया गया जिसमें वो जख्मी हो गया, उसके बाद उसको धर दबोचा गया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हत्या के आरोपी के साथ भी पुलिस की मुठभेड़ हुई। और इधर अब बात करते हैं चीन और ताइवान के बारे में, क्योंकि चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है और दूसरी तरफ इस घेराव को युद्धाभ्यास का नाम दिया जा रहा है। हालांकि ताइवान की ओर से लगातार इस घेराव का और इस युद्धाभ्यास का विरोध भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट से समझिए पूरी खबर। और ताइवान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेरा बनाते हुए अपना नया ज्वाइंट युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान के आसपास के 9 क्षेत्रों में शुरू की इस वार ड्रिल को स्वॉर्ड 2024B नाम दिया है। पानी, धरती, आकाश, हर तरफ से चीन ने ताइवान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ताइवान के आसपास चीन अपने हथियारों की खुलकर नुमाइश कर रहा है। चीन अपनी सैन्य ताकत से ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी डिमोंस्ट्रेट करने के लिए कि हमारे पास ये मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। क्या वो करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें और भी बड़े इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस है। इतना आसान नहीं है चाइना के लिए, स्पेशली जिस कंडीशन में भी है, ये सब कर पाना। पर उसने एक जिसको आप धमकाना बोल सकते हैं, धमकाने टाइप की एक एक्सरसाइज करी और शो ऑफ मिलिट्री फोर्स किया। इसके ऊपर मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं समझता, ये खाली एक शो ऑफ मिलिट्री फोर्स था। चीन इसको अपनी वॉर ड्रिल जरूर बता रहा है, लेकिन युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। चीन की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ड्रैगन ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। चीनी सेना की पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड के मुताबिक ये युद्धाभ्यास ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ताइवान स्ट्रेट में किया जा रहा है। चीन की सेना के मुताबिक उसके युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और दूसरी फोर्सेस भी शामिल हैं। चीन के सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक उसके इस युद्धाभ्यास का मकसद अलग अलग सेनाओं के लड़ने की क्षमता को परखना और ताइवान की आजादी की मांग करने वालों के लिए कड़ा और सीधा संदेश है। हाल ही में चाइना की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने मंडे को एक्सरसाइज जॉइंट स्वॉर्ड 2024B कंक्लूड करी, जिसमें ताइवान के मुताबिक 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 27-28 नेवल शिप्स उन्होंने देखे, गिने करके, और जिसमें और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप थे। इंटरेस्टिंगली एक दिन की एक्सरसाइज थी, ऑब्वियसली चाइना को ऐसा भाया नहीं, उन्होंने डिनाउंस किया है। सो दिस एक्सरसाइज बेसिकली एक
प्रेशर बनाने के लिए थी ताइवान के पास। दरअसल ताइवान के चारों तरफ चीन का ये युद्धाभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति के एक सख्त भाषण के बाद हो रहा है, जिसमें ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा था कि उनकी सरकार चीनी नियंत्रण स्वीकार नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 लोगों के खिलाफ अमीक जमई समेत मुकदमा दर्ज हुआ है। जमीन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी का इन पर आरोप है, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अमीक जमई जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अमीक जमई समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा, जमीन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी करने का इन पर आरोप है। तो ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जानकारी यह कि जमीन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी करने का इन पर आरोप है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, योगेश वर्मा की पिटाई का मामला, पिटाई मामले में 6 दिन बाद दर्ज हुई है FIR। बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का यह पूरा मामला है और आपको बता दें, पिटाई की घटना सामने आने के बाद 6 दिन बाद दर्ज हुआ है मुकदमा, 6 दिन बाद FIR दर्ज हुई है। अवधेश सिंह समेत 2 के खिलाफ दर्ज हुई है FIR। यह बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का यह पूरा मामला था और इस मामले के 6 दिन बाद FIR अवधेश सिंह समेत 2 के खिलाफ दर्ज हुई। और अगली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मध्यप्रदेश के ग्वालियर से यही खबर सामने आई है, जहां कार की बोनट से 100 मीटर तक एक कांस्टेबल को घसीटने का मामला सामने आया है और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। एक कार चालक ने चेकिंग पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मार दी। इसके बाद कार चालक की ट्रैफिक पुलिस को बोनट पर लटकाकर करीब 100 मीटर तक घसीट कर ले गया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का दावा है कि उसने कार चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। अब पीड़ित सिपाही ने मामले में केस दर्ज कराया है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। घटना 10 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब ग्वालियर के झांसी रोड ट्रैफिक थाने में सिपाही बिजेन सिंह ड्यूटी कर रहे थे। नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से जब बिजेन ने कार को रोकने की कोशिश की, तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और उन्हें टक्कर मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पक्ष विपक्ष का जमावड़ा, किसका भारी होगा पलड़ा? जातियों के हिसाब से आप धर्म को बांट देंगे? किसके सगे हो, किसके साथ खड़े हो? राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर, सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।